नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बायोलॉजी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने अध्याय 10 में भाग 3 तक देखा, अब मैं उसके आगे के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। अध्याय 10 में भाग 3 तक मैंने आपको वाहितमल उपचार के में जो सूक्ष्म जीव उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में मैंने बताया। अब हम कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो बायोगैस के उत्पादन में या कह सकते हैं ऊर्जा के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आपका ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ऊर्जा उत्पादन मतलब कह सकते हैं बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा किस रूप में? बायोगैस के रूप में। हम कहेंगे बायोगैस में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है बायोगैस को उत्पन्न करने में। अभी बायोगैस क्या होता है? बायोगैस गैसों का मिश्रण होता है। बायोगैस एक गैसों का मिश्रण होता है जिनमें कुछ गैसें होती हैं और उन गैसों में मुख्य रूप से होता है CH4 मीथेन। बायोगैस गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी होता है। ठीक है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, हमको ये टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि बायोगैस क्या होता है। तो बायोगैस गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होते हैं। मीथेन गैस चूंकि ज्वलनशील होता है, ज्वलनशील होने की वजह से हम इसका उपयोग कई प्रकार से कर सकते हैं। इस बायोगैस के निर्माण में मीथेन, इनको इन सभी के निर्माण में कुछ सूक्ष्म जीव उपयोग किए जाते हैं। उन्हीं सूक्ष्म जीवों को हमको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ना है। इस गैस को बायोगैस के उत्पादन में कुछ सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, बायोगैस क्या है? बायोगैस गैसों का एक मिश्रण है जिनमें मुख्य रूप से मीथेन CH4 होता है, CO2 होता है और ऑक्सीजन होता है। बायोगैस जीवाणुओं के सक्रियता द्वारा उत्पन्न होता है। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो सेलुलोजीय पदार्थ पर उगते हैं, ग्रो करते हैं और उस सेलुलोजीय पदार्थ के पर अवायवीय रूप से श्वसन के दौरान इन गैसों का उत्पादन करते हैं। यहां पर अगर यह भी पूछा जाए कि बायोगैस का क्वेश्चन, ये वाला बहुत पूछा जाता है कि बायोगैस कौन सा है, इनमें से बायोगैस कौन सा है, तो ऑप्शन में CH4 देते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, CH4 को बायोगैस भी कहते हैं और CH4 मतलब मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो बायोगैस के उत्पादन में कौन यूज होते हैं? सूक्ष्म जीव, जीवाणु। ये जीवाणु सेलुलोजीय पदार्थ पर उगते हैं और वहां पर ये बायोगैस का उत्पादन करते हैं। जीवाणु जो बायोगैस का उत्पादन करते हैं या मुख्य रूप से मीथेन का उत्पादन करते हैं, उन जीवाणुओं के समूह को हम सामान्य रूप से, सम्मिलित रूप से मिथेनोजन कहते हैं। मिथेनोजन कहते हैं वो जीवाणु जो बायोगैस के उत्पादन में भाग लेते हैं, उन सूक्ष्म जीवों या उन जीवाणुओं को सम्मिलित रूप से मिथेनोजन कहा जाता है। अब अगर आप इस शब्द का मतलब समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। मिथेनोजन में दो शब्द आ रहा है, मिथेन और दूसरा जन। जन का मतलब जेनेसिस, मतलब उत्पन्न करने वाला। तो यहां पर मिथेनोजन मतलब मिथेन का को उत्पन्न करने वाला। वे जीवाणु जो मिथेन गैस का उत्पादन करते हैं उन्हें हम मिथेनोजन कहते हैं। ठीक है, तो मिथेनोजन बैक्टीरिया जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोजीय पदार्थों पर उगते हैं और उनसे बायोगैस का उत्पादन करते हैं। ये जीवाणु, मिथेनोजन जीवाणु, कुछ रूमिनेंट कैटल्स मतलब गाय भैंस, पशुओं के प्रथम अमाशय में पाए जाते हैं। पशु जैसे गाय भैंस, इनके प्रथम अमाशय, प्रथम अमाशय को कहते हैं रूमेन। प्रथम अमाशय को कहते हैं रूमेन। पशुओं के प्रथम अमाशय को कहते हैं रूमेन। तो पशुओं के प्रथम अमाशय रूमेन में ही ये जीवाणु पाए जाते हैं
और ये जीवाणु इन पशुओं में पाचन में सहायक होते हैं। कह सकते हैं कि मिथेनोजन जीवाणु पशुओं में, पशुओं के प्रथम अमाशय में सहजीवी रूप में उपस्थित होते हैं। सजीवी मतलब साथ साथ रहते हैं और दोनों के लिए, दोनों को एक दूसरे से फायदा भी होता है। जीवाणु इसके रूमेन में प्रथम अमाशय में रहते हैं, उनको रहने की जगह मिल रही है, इससे जीवाणुओं को लाभ है। और बदले में उन पशु में सेलुलोज का डाइजेशन ये बैक्टीरिया करते हैं, तो इस वजह से वह पशु भी लाभदायक, लाभकारी हो गया। तो दोनों एक दूसरे से लाभप्रद क्रियाएं करते हैं, इस संबंध को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। बायोगैस गैसों का मिश्रण है जिसमें CH4, CO2 और H2 होता है। मुख्य रूप से जो गैस है वो CH4 होता है। बायोगैस के उत्पादन में कुछ जीवाणु भाग लेते हैं, उन्हें हम सम्मिलित रूप से मिथेनोजन कहते हैं। इनमें मुख्य जो जीवाणु होता है, मुख्य जीवाणु होता है मिथेनोबैक्टीरियम। मुख्य जीवाणु होता है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोजन जीवाणु का एक समूह है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं जो बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे सामान्य जीवाणु है वो है मिथेनोबैक्टीरियम। तो मिथेनोजन जीवाणु पशुओं के प्रथम अमाशय रूमेन में पाए जाते हैं और वहां वो सेलुलोजिक पदार्थों को डाइजेस्ट करते हैं और उस दौरान बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और हमने बता भी दिया कि बैक्टीरिया जो होते हैं मिथेनोजन, वो पशुओं में क्या करते हैं, उनके अमाशय में रहते हैं। देखिए पशु जो होते हैं वो ज्यादातर हरे घास पत्ती इन सभी को खाते हैं, और आपको पता है कि पौधे की जो कोशिका होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, इसलिए उन पौधों को ही चूंकि खाते हैं वो ज्यादातर, तो उनमें सेलुलोजी पदार्थों की भारी मात्रा होती है, और उनमें उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये बैक्टीरिया होते हैं प्रथम अमाशय में, उसी की मदद से वो सेलुलोजी पदार्थों को पचा पाते हैं, अन्यथा वे नहीं पचा पाते। हमारे अंदर ये जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हम हरी चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते पूरी तरीके से। हम साग खाते हैं तो भी फीकल मैटर ग्रीन ही निकलता है, क्योंकि हम पूरी तरीके से उसे डाइजेस्ट नहीं करते, क्योंकि हम सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से मिथेनोजन पशुओं के प्रथम अमाशय में रहकर उनमें सेलुलोजी पदार्थों का अपघटन करता है, और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स जो पशुओं में होता है वो फीकल मैटर के रूप में, मल के रूप में जब त्याग करते हैं पशु, तो उनके कर्दम या कह सकते हैं सामान्य रूप से गोबर, उनके गोबर में ये बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में प्रजेंट होते हैं। उसी गोबर का उपयोग करके हम एक संयंत्र बनाते हैं बायोगैस के उत्पादन के लिए। बायोगैस के उत्पादन के लिए हम गोबर का यूज करते हैं और एक संयंत्र बनाते हैं, उसी संयंत्र में उस गोबर का यूज करके हम बायोगैस का उत्पादन करते हैं। इसे कहते हैं बायोगैस प्लांट। यह है पूरा बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट सबसे ज्यादा आपको गांव में मिलेंगे, क्योंकि गांव में ये बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, और गोबर से बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। बायोगैस में चूंकि CH4 ज्वलनशील गैस होती है, इसलिए इस ज्वलनशील गैस का हम प्रयोग कर सकते हैं गैस स्टोव, घर के चूल्हे में खाना पकाने में यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से गांवों में ये लगे होते हैं, और जो गैस निकलती है बायोगैस, उससे कई घरों में पावर सप्लाई किया जाता है, उससे वो भोजन बनाते हैं। तो चलिए आपने समझ लिया कि बायोगैस क्या होता है, बायोगैस किस तरह से उत्पन्न होता है, कौन से बैक्टीरिया उसे उत्पन्न करते हैं, ये बैक्टीरिया कहां पाए जाते हैं, ये सारी बातें हो गई। अब हम पढ़ेंगे एक बायोगैस संयंत्र के बारे में, बायोगैस प्लांट कैसे बनाया जाता है। बायोगैस प्लांट को जमीन के नीचे, ये जमीन का स्तर है, जमीन के नीचे इस तरह से दीवार से बनाए जाते हैं। इसमें दो पाइप होती हैं, एक पाइप जो कि जहां से गोबर हम इसमें डालते हैं, ताजा गोबर जो कि हम इसमें डालते हैं, वो इस पाइप के द्वारा इसमें आती है और इकट्ठा होती है। गोबर ढेर सारी हम इसमें डालें और ये गोबर आती है इनलेट पाइप के द्वारा यहां पर ये इकट्ठा होती है।
देखिए यहां पे लिखा हुआ है मिक्सिंग टैंक, मतलब जो गोबर होता है उसे हम पहले इस बॉक्स में या कह सकते हैं इस चार दीवारी के अंदर डालते हैं और यहां से गोबर चला जाता है नीचे इस टैंक में। इस टैंक को कहते हैं डाइजेस्टर टैंक, डाइजेस्टर टैंक। इस टैंक में जो गोबर है वो इकट्ठा होता है और चूंकि हमने बताया है कि गोबर में ही मिथेनोजन जीवाणु उपस्थित होते हैं जो बायोगैस का उत्पादन करते हैं, यहां पर ढेर सारे गोबर इकट्ठा रहेंगे और सूक्ष्म जीव के द्वारा अवायवीय रूप से जो सूक्ष्म जीव होते हैं यहां पर ग्रो करेंगे और उनसे गैसों का प्रोडक्शन करेंगे, गैसों का प्रोडक्शन करेंगे। CH4 मीथेन CO2 H4O2 ये सारी गैसें आती हैं और ये सारी गैसें कहां पर इकट्ठा होती हैं, गैस होल्डर में। ये सारी गैस, जो गैस उत्पन्न होती है वो गैस इकट्ठा होती है गैस होल्डर में और गैस होल्डर में जब दबाव पड़ता है तो इसका ढक्कन ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करता है, तब ऐसा माना जाता है कि इसमें गैस फुल हो चुका है और ये जो नॉब होता है इसको नॉब को खोल दिया जाता है, इसे कहते हैं गैस कंट्रोल वॉल्व। वॉल्व को घुमाया जाता है जिससे इसमें उपस्थित गैस, इसमें उपस्थित गैस इस पाइप के द्वारा चली जाती है गैस स्टोव में और गैस स्टोव में इस गैस का प्रयोग किया जाता है ऊष्मा उत्पन्न करने में। ठीक है, यह है पूरा आपका बायोगैस संयंत्र। गोबर हम डालते हैं इसमें, अधिक मात्रा जब हो जाती है तो यहां से यह चला आता है इस टैंक में और जब इस टैंक में फुल हो जाता है, याद रखेंगे गोबर में पानी जरूर डालते हैं, तो गोबर में पानी डाल के मिक्स किया जाता है जिससे ये पूरी तरीके से इसके अंदर आ जाए। तो जब इस यहां पर भी फूल हो जाता है तो ये जो गोबर है जिनसे बायोगैस का उत्पादन हो चुका है वही आएंगे इस सतह पर, तो वो इस सतह पर आते हैं और आउटलेट पाइप, मतलब जो बेकार हो चुके हैं, मतलब जिनका हम बायोगैस उत्पादन कर चुके हैं, उन गोबर को जिसे हम स्लरी कहते हैं करदम, वो यहां पर इकट्ठा होने लगते हैं, वो चढ़कर यहां पर इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, हम यहां पर लगातार गोबर को पानी के साथ मिक्स करके इसमें भेजते हैं, यहां पर इकट्ठा होता है काफी घंटों तक, इकट्ठा होकर गैस प्रोडक्शन होता है और फिर हम जैसे गोबर डालेंगे, दिन ब दिन डालते हैं तो ये स्तर बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते ये गोबर यहां से यहां आएंगे और यहां से बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे इस टैंक में। तो इस टैंक में जो गोबर है, स्लरी है या करदम जिसे कह सकते हैं है, उसका कोई अब उपयोग तो है नहीं इसमें, तो अब इसको यहां से निकाल कर, इसको निकाल कर हम खेतों में यूज कर सकते हैं, खेतों में यूज कर सकते हैं, खेतों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये खाद के रूप में, एक उर्वरक के रूप में कार्य करने लगेंगे। ये जो करदम है जो बायोगैस प्रोडक्शन के बाद जो बचता है वो करदम हम खाद के रूप में खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए बायोगैस संयंत्र से दो लाभ है, एक तो बायोगैस संयंत्र से हम बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसके द्वारा बायोगैस उत्पादन हो रहा है और गैस, उस गैस का प्रयोग हम भोजन पकाने में कर सकते हैं, और दूसरा जो उस करदम, जो करदम बचा हुआ है उस करदम को हम खेतों में उसके बाद यूज कर सकते हैं खाद के रूप में। ठीक है, तो यह था आज का पूरा टॉपिक बायोगैस संयंत्र। ठीक है, तो बायोगैस संयंत्र को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। बायोगैस क्या होता है, बायोगैस गैसों का एक मिश्रण है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2 के साथ साथ मुख्य रूप से अधिक मात्रा में CH4 मीथेन गैस होता है। चूंकि यह ज्वलनशील गैस है इसलिए हम इसका उपयोग ऊष्मा को उत्पन्न करने में कर सकते हैं और यह किया भी जाता है, मीथेन ही जलता है और उससे हम गैस को उपयोग करते हैं ऊष्मा के उत्पादन में। दूसरा, इन गैसों को, बायोगैस को उत्पादन करने में कौन से सूक्ष्म जीव उपयोग में लाए जाते हैं, तो इन गैसों को उत्पन्न करने के लिए जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है, उन जीवाणुओं को हम मिथेनोजन कहते हैं। प्रमुख रूप से जो मिथेनोजन है वह है मिथेनो बैक्टीरियम, ये एक बैक्टीरिया का टाइप है। इसी तरह से कई सारे बैक्टीरिया के समूह इसमें भाग लेते हैं, उन समूहों को हम कहते हैं मिथेनोजन। तो मिथेनोजन वो बैक्टीरिया है जिनके द्वारा बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। ठीक, मिथेनोजन कहां पाए जाते हैं, तो मिथेनोजन पशुओं के प्रथम अमाशय जिसे हम रूमेन कहते हैं उसमें पाए जाते हैं। क्या करते हैं वो वहां पर सेलुलोजी पदार्थों का पाचन करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जीवाणु
गाय में पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। और जो गोबर के साथ ये चले आते हैं बाहर, मिथेनोजन जो जीवाणु है गोबर के साथ बाहर आते हैं, उस गोबर का हम उपयोग करते हैं बायोगैस संयंत्र में और उसी के द्वारा हम बायोगैस का निर्माण करते हैं। ठीक, तो आप हेडिंग डालेंगे, अब लिख लीजिए आप सारे चीजों को, लिख लेंगे पहले हेडिंग डालेंगे ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव, ऊर्जा उत्पादन बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। लिखेंगे बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्म जीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं वह CO2 तथा H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन गैस भी उत्पन्न करते हैं। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मिथेनोजन कहते हैं। इनमें सामान्य जीवाणु मिथेनो बैक्टीरियम है। यह बैक्टीरिया सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है। यह जीवाणु पशुओं के रुमेन प्रथम आमाशय में भी पाए जाते हैं। यह जीवाणु सेलुलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार पशुओं के मल जिसे सामान्यतः गोबर कहते हैं में यह जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। गोबर में पादपों के सेलुलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इनका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है जिसे सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बायोगैस संयंत्र, हेडिंग डालेंगे बायोगैस संयंत्र। लिखेंगे बायोगैस संयंत्र एक टैंक ब्रैकेट में 10 से 15 फीट गहरी ब्रैकेट क्लोज होती है जिसमें अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर की कर्दम जिसे इंग्लिश में स्लरी कहते हैं भरी जाती है। कर्दम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है जिससे सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है। जिससे ढक्कन के ऊपर गैस बनती है और ढक्कन ऊपर की ओर उठता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है। इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। उपयोग की गई कर्दम दूसरे निकास द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में खेतों में किया जाता है। उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है। ठीक है, बस अब हेडिंग डालेंगे, फिगर आप बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद आप हेडिंग डालेंगे बायोगैस संयंत्र के लाभ। पहला लाभ, बायोगैस को गैस स्टोव में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जलाया जा सकता है। दूसरा, बायोगैस प्रदूषण कम उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा प्रदूषण सबसे कम उत्पन्न होता है, वो है बायोगैस के द्वारा। बायोगैस के द्वारा प्रदूषण सबसे कम उत्पन्न होता है, इसलिए इसका उपयोग हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। तीसरा आता है, बायोगैस संयंत्र से बायोगैस उत्पादन के पश्चात बची हुई स्लरी का प्रयोग खाद के रूप में खेतों में किया जा सकता है। तीन लाभ आपके बायोगैस संयंत्र के मैंने आपको लिखवा दिया। बायोगैस संयंत्र क्या होता है ये भी मैंने लिखवा दिया, और ऊर्जा उत्पादन या बायोगैस में सूक्ष्म जीव कौन से उपयोग किए जाते हैं ये भी मैंने आपको लिखवा दिया। अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर साल तय होता है आना, और कॉम्पिटिशन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन का आप मेरे जवाब देंगे। पहला, सहजीवी संबंध क्या होता है। दूसरा, बायोगैस उत्पादन में जो जीवाणु उपयोग में लाए जाते हैं उन जीवाणुओं को क्या कहते हैं। तीसरा, बायोगैस के तीन लाभ बताएं। चौथा, बायोगैस से उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु होता है, बायोगैस को उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु होता है वो पशुओं के किस जगह पर पाया जाता है। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पूरा टॉपिक पढ़ लीजिएगा और जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो हमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आया बायोगैस संयंत्र, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।